अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम आपको दिखाते हैं, एक तो ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं डेली, पहले भी बताया आप, और दूसरे नंबर पर आज आपको हम किचन दिखाएंगे अपना, और साथ बनाएंगे चावल खाने के लिए। और अभी हम जाते हैं बकाले पे चावल लेने के लिए। जिस विले में हम रहते हैं उसमें ज़्यादातर बंगाली हैं, हम तीन पाकिस्तानी हैं, बाकी जो है वो 8-10 दूसरे जो लोग हैं वो बंगाली है। और वो सुबह भी शाम भी और दोपहर भी जब भी उन्होंने खाने हैं उन्होंने जो है वो वाइट चावल जो है वो खाने हैं, और उसके साथ जो है वो कुछ भी बना लेते हैं, अंडा वगैरह या सालन बना लेते हैं। लेकिन जो उनके जो चावल हैं वो कंपलसरी हैं, इसे पाकिस्तान में हम उबले हुए चावल कहते हैं या फूके चावल, वही खाते हैं ज़्यादातर। तो हमसे तो वो ज़्यादा नहीं खाए जाते, हम तो बनाएंगे आज आलू वाले चावल। ये आ गया है जी बकाला। अमारात में जो प्राइस है चावल की वो 5 दरम से लेकर 15 दरम तक है। 5 दरम वाले जो होते हैं वो टोटा चावल जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, और जो है 7 दरम वाले चावल हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसे कि मैंने लिए हुए हैं 5 दरम के लिए हैं, 7 दरम के किलो हैं, हम 2 लोग हैं तो इजीली जो है वो गुज़ारा हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं जो हमारा किचन है, और ये किचन जो है हम भी यूज़ करते हैं और जो साथ बंगाली है वो भी यूज़ करते हैं। ये जो है ये फ्रिज, ये चूल्हा उनका है बंगालियों का, और ये चूल्हा हमारा है। उसके अलावा जो है ये सामान वगैरह जितना भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं। कुछ सामान हमारा है, ज़्यादा सामान उनका है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो है वो मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं, हमारी चीज़ें वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उनकी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है वो अभी हम बनाएंगे चावल और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। अभी जो है वो सामान वगैरह सारा बन गया है, मसाला जो है वो बन रहा है, थोड़ी देर तक जो है ये चावल वगैरह इसमें डाल देंगे। और जो है गर्मी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ रही है और टम्परेचर 40 से तकरीबन ऊपर ही है। तपश सूरज की वही बर्दाश्त कर सकता है जो यहाँ पे रहता है, जिसको मालूम है, इसलिए जो है ये पंखा भी लगाया गया है ताकि थोड़ी गर्मी कम महसूस हो। लेकिन गर्मी यहाँ की जो है वो बर्दाश्त करने से बर्दाश्त होती है, पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है। जो लोग यहाँ पे खुद खाना बनाते हैं अपना जो है वो उनको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बजाय कि जो है वो होटल से मेस लगवाने के। अगर आप मेस लगवाते हैं तो वो जो है वो 240 या 260 दिरहम आपसे लेते हैं मंथली, और 2 टाइम आपको खाना देते हैं। और अगर आप 2-4 दोस्त या 5-6 दोस्त मिल के अपना खाना बनाते हो तो आपको बिल्कुल जो है वो सही निज़ाम जैसा आपका, आपको कम पैसे आते हैं। और अगर इस तरह का निज़ाम हो तो फिर तो और भी अच्छा है, इससे जो है वो और पैसे कम आते हैं। एक चीज़ ये कि ये जो लगा हुआ है फ़िल्टर लगा हुआ है, पानी वाला फ़िल्टर, और ये लोगों ने अपने किचन में या घरों में अक्सर लगवाया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का सिंपल पानी है जो पाइप के ज़रिए आता है, पाइपलाइन के ज़रिए, वो आप नहीं पी सकते। अगर पियेंगे तो आपको जो वो डैमेज करेगा मैदे को भी और जिस्म के बाकी अज़ा को भी, तो इसलिए जो ये पानी इस्तेमाल होता है फ़िल्टर वाला, या जो ये बड़ी पानी की बोतल जो है ये तकरीबन 5 से 6 दरम की मिलती है, तो लोग यही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, या जो इस तरह के फ़िल्टर लगाए होते हैं घरों में। जो लोग यहाँ पे नए नए आते हैं जिनको शौक़ होता है इनका बनाना, तो उनको कुछ आता नहीं होता, ना पाकिस्तान से सीखा होता है उन्होंने, बहुत कम होता है कुछ लोगों को होता है बनाना, कि खाना वगैरह बनाना आता हो या इस तरह का कुछ, तो यहाँ पर आके जो है वो सब सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद जो है वो सब कुछ करना पड़ता है हर लिहाज से। तो जो है वो यहाँ के हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए वो सीख जाते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक भी वो जो है वो सीख जाते हैं। यहाँ पे आके जो है ना वो अच्छे कुक बन जाते हैं, और कुछ बने ना बने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं बनाना आता था, लेकिन चाय वगैरह या अंडा वगैरह इस तरह का बस। लेकिन ये खाना बनाना, चावल बनाने, गोश्त बनाना या इस तरह कोई भी सब्ज़ी वगैरह, मतलब सब कुछ बनाना जो है वो नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो है वो 6-7 माह से बना रहे हैं, और सारा सामान भी अवेलेबल होता है तो बनाना आसान होता है। तो शुक्र अदा करते हैं कि खाना अपना खुद बनाते हैं,
क्योंकि जो यहाँ के खाने हैं वो सही नहीं होते, इस लिहाज से कि अगर आप होटल से लगातार खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। कम से कम आपका मैदा ज़रूर डिस्टर्ब होगा और कुछ हो ना हो। और जो है वो जैसे पाकिस्तान में होता है कि होटलों के खाने जो होते हैं वो मिर्च मसाले वाले होते हैं, ज़्यादा बंदा जो है वो ज़्यादा देर तक खा नहीं सकता, मैदा ख़राब हो जाता है। तो यही सेम सीन है यहाँ पे भी, जो है वो बंदा बीमार हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो खाना अपना यहाँ पे खुद ही बनाते हैं। अभी जो चावल है हमारे वो हो जाएंगे 10 मिनट तक तैयार, और 10 मिनट रह गए मगरब की नमाज़ में, तो मगरब की नमाज़ पढ़ के जो है वो इंशाल्लाह हम चावल खाएंगे अपने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कबूतर हैं, आवाम ने रखे हुए हैं बिल्डिंगों पर कबूतर शौक़ के लिए, उड़ाने के लिए, वैसे अपने जो है वो शौक़ के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।